हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 10.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कारण निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। चलिए देखते हैं, हमें इनके मैग्नीट्यूड निकालने हैं। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू में दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है यानी इसका परिमाण निकालना है। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इसके साथ 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी यहाँ से आ जाएगा ये √3। चलिए अगर हम लोग वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वेक्टर बी दिया है हमारे पास 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस का 3k कैप, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ 49 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा √62। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वेक्टर सी की। वेक्टर सी में के लिए दिया है 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप और प्लस 1/√3k कैप माइनस का 1/√3k कैप। ये ना दिया हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर में 1/√3k² + 1/√3k² + -1/√3k². चलिए तो अंदर क्या हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3, यानी रूट अंडर 3/3 हो जाएगा एलसीएम के जोड़ने में, तो 1 1 का रूट 1, यानी कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। चलिए देखिए ऐसे बहुत सारे ऐसे सदिश हो जाएंगे जिनके परिमाण हो सकते हैं समान, और है ना जिनके परिमाण समान हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखो ना, मैं यहाँ पर वेक्टर ए इक्वल लिखता हूँ 2i कैप प्लस j कैप, और वेक्टर बी बराबर में मैं लिख देता हूँ i कैप प्लस 2j कैप। दोनों का परिमाण समान ही है, अगर निकाल के देख सकते हैं। 3 नंबर में देखिए समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। तो अगर समान दिशा की बात करें तो मैं यहाँ पे देखो ना, ऐसे भी इसके भी बहुत सारे ऐसे आंसर हो सकते हैं। वेक्टर ए बराबर अगर मैं लिखता हूँ i कैप प्लस j कैप, तो मैं यहाँ वेक्टर बी बराबर में लिख दूंगा 2i कैप प्लस 2j कैप। देखो ना ये दोनों सदिशों की दिशाएं समान होंगी। ठीक है, इसी का कोई मल्टीपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों की दिशा समान हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है उससे मतलब नहीं है, हमें दिशा बस देखना था यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ये दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए। चलिए तो हम लोग दोनों को इक्वल कर देते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू में xi कैप प्लस yj कैप। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे वेक्टर i है, वेक्टर i के साथ इसको इक्वेट करेंगे, j वाले को j के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहाँ x इक्वल टू हमें 2 मिल जाएगा और y इक्वल टू में 3 मिल जाएगा। यही ना हो जाएगा, हम लोग इसके अदिश घटक को इक्वल कर देंगे। ठीक है, i के i कैप के अदिश घटक को, है ना, और यहाँ पे जे कैप के लिए भी, तो ये इक्वल हो जाएगा। समझ गए, एक्स वाई का वैल्यू आ गया। चलिए 5 नंबर देखिए, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु देखो 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है, तो इस सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग अगर बात करें इसके अदिश घटक की, अगर मान लो देखो एक सदिश है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, एक मैं यहाँ वेक्टर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका वेक्टर हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे इसका एक प्रारंभिक बिंदु जो है ना यहाँ दिया हुआ है और अंतिम बिंदु भी यहाँ पर इसका दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग P और इसको Q कर लेते हैं, और इसी में सदिश मान लो वेक्टर R या जो भी है, ठीक है ऐसे ले लेता हूँ। मान सदिश पी क्यू वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु 2,1 और अंतिम बिंदु
अंतिम बिंदु -5.7 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर की बात करूंगा, वेक्टर की मान लो मैं यहाँ वेक्टर ही निकाल देता हूँ, वेक्टर पी क्यू, तो क्या होगा वेक्टर पी क्यू? यहाँ आ जाएगा आपका x2 - x1। अगर आप इसे x1 y1 देखें और इसे आप x2 y2 देखें, तो फॉर्मूला आप जानते हैं ना जी, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप होता है वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो आप यहां से क्या करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ -5 - 2 i कैप, ठीक है, और +7 - 1 j कैप। तो यहाँ माइनस का 7 i कैप और प्लस का 6 j कैप हो जाएगा, ये ना आएगा। तो यहाँ से जब ये वेक्टर आ गया, तो हमें पूछ रहा था इसमें क्या, इस सदिश के अदिश और सदिश घटक। तो इसमें अदिश घटक कौन कौन से होंगे, अदिश घटक कौन होंगे, तो जो आई कैप और जे कैप के साथ है, -7 और 6। अच्छा, और सदिश घटक, तो सदिश घटक यानी कि ये हम लोग ये और ये लिख देंगे, -7 i कैप और 6 j कैप। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए 3 सदिश दिए हुए हैं, इसका योग निकालना है। हमें क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर देना है। देखिए वेक्टर ए का मान है यहाँ i कैप - 2 j कैप प्लस का k कैप, और प्लस वेक्टर बी का मान है -2 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस का 5 k कैप, और प्लस वेक्टर सी का मान है यहाँ i कैप - 6 j कैप माइनस का 7 k कैप। यही ना है जी, ब्रैकेट लगा देते हैं, i कैप - 2 j कैप प्लस k कैप माइनस का 2 i कैप प्लस का 4 j कैप प्लस का 5 k कैप प्लस का i कैप - 6 j कैप माइनस का 7 k। चलिए देखिए, आई कैप वाला यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ये 2 i कैप में से 2 i कैप गया, 0 i कैप, यानी आई कैप वाला टर्म हट जाएगा। समझ गया ना, जे कैप वाले की बात करते हैं, तो ये जे कैप है, यहाँ पे भी जे कैप है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों देखो -8 और ये +4, तो -4 आ जाएगा, -4 j कैप। फिर अब देखो के वाले की बात करते हैं, यहाँ और यहाँ है, तो 5 on 6 k कैप और यहाँ 7 k कैप, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -k कैप आ जाएगा, तो यही इनका सम आ गया। समझ गए। चलिए 7 नंबर देखिए, यहाँ सदिश दिया हुआ है कि अनुदिश, इस सदिश के अनुदिश क्या कह रहा है, एकमात्रक सदिश कहते हैं, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर i कैप प्लस j कैप प्लस 2 k कैप, इसी के अनुदिश हमें एकमात्रक सदिश निकालना है। तो हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है 1 बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इनटू में वेक्टर ए, यही ना फॉर्मूला जानते हैं। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर रखना होगा ना, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि √6। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में रख दो, तो 1 बाई √6 और इनटू में वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बाई √6 i कैप प्लस 1 बाई √6 j कैप, ठीक है, और +2 बाई √6 k कैप, ये आपका वेक्टर ए के अनुदिश, ये मात्रक सदिश हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ पी और क्यू बिंदु के क्रम से यहाँ पर ये दी गई है। देखिए बिंदु पी दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है 1 2 3, और एक बिंदु Q दिया है जिसका निर्देशांक है 4 5 6। हमें वेक्टर PQ का क्या निकालना है, अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो पहले हमें वेक्टर PQ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसे x1 y1 z1 लें और इसे x2 y2 z2 लें, तो आप वेक्टर PQ इक्वल टू क्या लिखोगे, तो लिखोगे x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप और +z2 - z1 k कैप, ये ना होता है। तो वेक्टर पी क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, तो
फोर माइनस वन आई कैप प्लस फाइव माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स माइनस थ्री के कैप। तो यहाँ से आ जाएगा आपका वेक्टर पी क्यू, थ्री आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस का थ्री के कैप, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम लोग बात करें वेक्टर पी की, पी क्यू के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि इसका इकाई सदिश निकालना तो हमें निकालना पड़ेगा, हो जाएगा तीन का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी हो जाएगा नौ प्लस नौ प्लस नौ यानी सत्ताईस, रूट सत्ताईस का मतलब हुआ तीन रूट तीन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या निकालना है, वेक्टर पी क्यू के अनुदिश, अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर पी क्यू क्या होगा, तो वन बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड और इंटू में वेक्टर पी क्यू, तो वन बाई पी क्यू का मैग्नीट्यूड थ्री रूट थ्री हो जाएगा यहाँ पर, और फिर आपका वेक्टर पी क्यू थ्री आई कैप प्लस का थ्री जे कैप प्लस का थ्री के कैप। एक काम करो सब में भाग कर दो, तो तीन बटा में तीन रूट तीन आई कैप प्लस तीन बटा में तीन रूट तीन जे कैप प्लस तीन बटा में तीन रूट तीन के कैप, तीन से तीन यहाँ कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर पी क्यू कैप क्या हो जाएगा, वन बाई रूट थ्री आई कैप प्लस वन बाई रूट थ्री जे कैप प्लस वन बाई रूट थ्री के कैप, यही ना हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए क्या कह रहा है, दिए हुए सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश। तो पहले हम लोग इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इसका मात्रक सदिश निकालेंगे। तो वेक्टर ए इक्वल टू में दिया हुआ है टू आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का टू के कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू में दिया है माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। तो अगर हम लोग यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की बात करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं आई कैप, ठीक है, जे कैप तो आपका कट जाएगा, प्लस का के कैप होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकाल रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस किसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो रूट अंडर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी आ जाएगा रूट अंडर टू। हमें क्या निकालना है, इसी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना माना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश इकाई सदिश वेक्टर सी है या सी कैप है, ठीक है। तो सी कैप किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इस वन बाई जो जिसका आप इकाई सदिश निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड और इनटू में वो वेक्टर, ये ना किया जाता है, तो वन बाई रूट टू इनटू में वेक्टर आई और प्लस में वेक्टर के, यानी हो जाएगा यहाँ वन बाई टू आई कैप प्लस वन बाई रूट टू, सॉरी वन बाई रूट टू होगा के कैप, यही ना आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ सदिश दिया है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। तो हम लोग इसका इकाई सदिश निकाल के 8 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा काम। चलिए तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि माना वेक्टर ए इक्वल टू में फाइव आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का टू के कैप, ठीक है। इसके अनुदिश हमें पहले मात्रक सदिश निकाल लेते हैं, तो इसके लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका रूट अंडर फाइव का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर क्या होगा ट्वेंटी फाइव, वन का वन हो जाएगा यहाँ पर प्लस का फोर, यानी रूट अंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर तीस आ जाएगा ना, तीस आ जाएगा। चलिए तो हम लोग अब यहाँ लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू में वन बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर ए, वन बाई रूट तीस और इंटू में वेक्टर ए क्या है फाइव आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का टू के कैप, यानी आ जाएगा पाँच बट्टा में रूट तीस आई कैप माइनस एक बट्टा में रूट तीस जे कैप और प्लस
बटा में रूट 30 के कैप, यही ना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है वेक्टर ए के अनुदिश, अनुदिश अनुदिश 8 इकाई परिमाण वाला सदिश, 8 इकाई परिमाण वाला सदिश क्या होगा, वही तो जो हमें यहाँ पे निकल गया है ना इकाई सदिश, इसी में 8 से गुना कर देंगे। ठीक है चलिए देखते हैं, क्या हो जाएगा यहां से, 8 से आप इसमें गुना कर दो तो हो जाएगा यहां पर 40 बटा रूट 30 आई कैप माइनस 8 बटा रूट 30 जे कैप प्लस 16 बटा रूट 30 के कैप, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, यहाँ पे दिया हुआ है सदिश, दो सदिश दिए गए हैं, ये दिखाना किस संरेख है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक को वेक्टर ए, क्या है आपका 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू में है माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप, है ना। अच्छा इसमें तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, इस वाले सदिश में कॉमन मुझे दिख रहा है, यहाँ मैं यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन कर सकता हूँ, तो 2i कैप माइनस का 3j कैप और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 4k कैप, तो देख रहे हैं ना ये इस सदिश का ये माइनस 2 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वेक्टर ए जो है ना इक्वल है वेक्टर बी बाई माइनस 2 के। ठीक है बात को समझ ना, इसका मतलब समझ, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, देखो आप इसको इधर लाओगे वेक्टर बी बाई वेक्टर बी बाई माइनस 2 इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, तभी ना ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, यानी कि माइनस 2 इंटू वेक्टर ए इक्वल है वेक्टर बी के, इसलिए कह सकते हैं कि सदिश सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप और माइनस का 4i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप संरेख है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर सदिश दिया गया है, इसका दिक कोसाइन निकालना है, तो दिक कोसाइन निकालने के लिए देखो सबसे पहले तो आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो काम बन जाएगा, उनके यूनिट वेक्टर निकालने पर जो उनके अदिश घटक होंगे ना वही आपके दिक कोसाइन हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे। तो मान लेते इसे वेक्टर ए आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 रूट अंडर 14 हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा वेक्टर ए कैप क्या हो जाएगा, तो 1 बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर ए, 1 बाई रूट अंडर 14 और इंटू में आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 14 आई कैप प्लस का 2 बाई रूट अंडर 14 j कैप और प्लस का 3 बाई रूट अंडर 14 k कैप। ठीक है ये ना होगा, तो हमें क्या निकालना है इसका अधिक कोसाइन ना, तो इस सदिश का अधिक कोसाइन क्या हो जाएगा, तो इसके अधिक घटक जो देख रहे हैं ना यही हो जाएंगे, अधिक कोसाइन की बात करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन यही हो जाएगा, 1 बाई रूट 14 2 बाई रूट 14 3 बाई रूट 14, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दो बिंदुएं दी गई हैं, इनको मिलाने वाली बनाने वाली एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक कोसाइन निकालें। देखिए दो बिंदु दिए गए, एक ए बिंदु दिया गया है जिसका निर्देशांक है 1, 2, -3 और एक बिंदु बी दिया है जिसका निर्देशांक है -1, -2, 1। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए से बी की तरफ यानी कि इधर से इधर मिलाने वाली जो दिष्ट सदिश है इसका दिक कोसाइन निकालना, तो पहले हम लोग सदिश को निकाल लेते हैं और फिर इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, तो यूनिट वेक्टर के जो अदिश घटक होंगे वही आपका दिक कोसाइन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी हो जाएगा आपका -1, -1 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर
माइनस टू जे कैप और फिर प्लस वन माइनस माइनस थ्री यानी प्लस हो जाएगा थ्री के कैप, यही ना हो जाएगा। यानी कि वेक्टर ए बी जो आएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का टू आई कैप, माइनस का फोर जे कैप और प्लस का फोर के कैप होगा, यही ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर माइनस टू का स्क्वायर प्लस माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका फोर प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा छत्तीस ना, रूट अंडर छत्तीस यानी छः आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग इसका पहले यूनिट वेक्टर की बात करें तो वन बाई ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर ए बी, यही ना होगा। तो यहाँ हो जाएगा वन बाई सिक्स और इंटू में माइनस टू आई कैप माइनस का फोर जे कैप और प्लस का फोर के कैप, चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन बाई थ्री आई कैप माइनस टू बाई थ्री जे कैप और प्लस का टू बाई थ्री के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इसका दिक कोसाइन बताना था, तो दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कोसाइन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्शन कोसाइन सॉरी दिक कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री टू बाई थ्री, यही हो जाएंगे इसके दिक कोसाइन, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दर्शाइए कि सदिश ये जो दिया हुआ है ये अक्षों ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका है, तो बराबर झुका है तो बराबर कोण बनाएगा, यानी कि इनका वहां पे डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल होगा, है ना, डायरेक्शन कोसाइन भी इक्वल। तो यहाँ पे इसे मैं मान लेता हूँ, माना वेक्टर ए इक्वल टू में यहाँ दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, हम लोग अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो देखो हमें यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो ये रूट अंडर थ्री आ जाएगा। तो अगर हम लोग यूनिट वेक्टर ए की बात करेंगे तो वन बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए, तो वन बाई ए का मैग्नीट्यूड है रूट थ्री और इंटू में वेक्टर ए है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यानी यहाँ से आ जाएगा वन बाई रूट थ्री आई कैप प्लस वन बाई रूट थ्री जे कैप और प्लस वन बाई रूट थ्री के कैप। तो हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो है, डायरेक्शन कोसाइन जो है वह सेम हो रहा है, देखिए वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री वन बाई रूट थ्री, इसलिए ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड अक्षों के साथ ये जो सदिश दिया है ये बराबर झुका हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप ऐसे एक्स अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है कॉस अल्फा अल्फा लेंगे तो कॉस अल्फा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री, यानी कि अल्फा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स वन बाई रूट थ्री, दूसरा भी उसी तरह बीटा भी वही कोण होगा और गामा भी वही कोण होगा, तीनों अक्षों के साथ समान ही कोण बनेगा, या आप डायरेक्शन कोसाइन सभी इक्वल इक्वल आ गए ना, तो यहाँ पे इसलिए भी कह सकते हैं, इसलिए वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे कैप प्लस वेक्टर, है ना, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों ओ एक्स ओ वाई एवं ओ जेड के साथ बराबर झुका है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे एक क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रवि कांसर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।